हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चे, जैसे आपको मालूम है, सीबीएसई ने अपने एकेडमिक ईयर 2020 और 21 के लिए क्लास 12 का बोर्ड का सिलेबस अप टू 30% डिलीट कर दिया है। फिजिक्स में भी कई टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं जो 2021 में होने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपको तैयार नहीं करने हैं। बच्चों की बेहद रिक्वेस्ट थी कि सर, आपने ये तो बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स नहीं करने हैं। जी हाँ, एक मैंने वीडियो बनाई थी इससे पहले, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दे रखा है, जिसमें मैंने सारे वो टॉपिक्स आपको लिख के बताए थे जो जो टॉपिक्स नहीं करने हैं। बट बच्चों की अभी रिक्वेस्ट थी कि सर, हम एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, एनसीईआरटी से डायरेक्ट पेज बाई पेज बता दीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने नहीं करने हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारे टॉपिक्स तो बताने ही वाला हूँ, पेज बाय पेज एनसीईआरटी की फिजिक्स की बुक से, जो आपको काट देने हैं। साथ साथ में कौन से इंटेक्स क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड आपको नहीं करने हैं, वो भी साथ में बताने वाला हूँ। तो बच्चे, जल्दी से लेके बैठ जाइए अपनी क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक के दोनों पार्ट्स। जैसे जैसे मैं इस वीडियो में बताता जा रहा हूँ, वो पेज खोल के आप पेन से, वो पेन या पेंसिल से वो टॉपिक्स आप कट कर दीजिए, तो 12th के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अपनी नॉलेज पूरी तरीके से गेन करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से वो टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए। हाँ, फाइनली जब एग्ज़ाम्स की तैयारी करें तो उन टॉपिक्स को आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूँ वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। बच्चों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो पहले से ही बता दूँ, अभी से एक लाइक बटन दबा दीजिए अगर अच्छा लगे, या बाद में दबा दीजिएगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं मेरे को सपोर्ट करने के लिए और दूसरे बच्चों की हेल्प करने के लिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए खोलते हैं सबसे पहले अपना पार्ट 1। पार्ट 1 का जो फर्स्ट चैप्टर है बच्चे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से पहले बच्चे, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूँ कि ये जो चैप्टर्स होते हैं एनसीईआरटी में, इसमें बीच बीच में ब्लू कलर के बॉक्सेस दे रखे होते हैं। जैसे कि ये इस तरीके से ब्लू कलर के बॉक्सेस हैं, ये जैसे ये लिखा है ऑन सिमेट्रिक ऑपरेशन ही करने हैं या नहीं करने हैं। तो बच्चे, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ, ये एनसीईआरटी ने अपनी बुक में प्रीफेस में लिखा हुआ है साफ साफ, एज इन क्लास 11 टेक्स्ट बुक सम इंटरेस्टिंग आइटम्स हैज़ बीन इंसर्टेड इन मैनी चैप्टर्स, दे आर नॉट मीन फॉर टीचिंग और एग्जामिनेशन, देयर पर्पज इज़ टू कैच द अटेंशन ऑफ रीडर। यहाँ पर देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ब्लू कलर के बॉक्सेज में है वो आपको नहीं करना है। देखिए, स्टूडेंट्स विशिंग टू परस्यू फिजिक्स फर्दर वुड फाइंड पॉइंट्स टू पॉन्डर एंड एडिशनल एक्सरसाइज वेरी यूजफुल। बच्चे, ये आपकी एडिशनल नॉलेज के लिए तो हैं, बट आपको बोर्ड्स के लिए करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। बच्चे, कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें मैं रिकमेंड करता हूँ कि एडिशनल क्वेश्चंस, एडिशनल एक्सरसाइज में से क्वेश्चन ज़रूर करिए, तो वो ज़रूर करिएगा। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपने इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर से। चैप्टर 1 में क्या चीज़ डिलीट हुई है बेटा, डायरेक्ट आ जाइए आप पेज नंबर 39 पे आ जाइए। ये 21 31, और ये डायरेक्ट 39 पे आ जाइए। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे कटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड। ये पूरा काट दीजिए, 1.51, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक काट दीजिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक काट दीजिए, बट ये क्वेश्चन नहीं काटना है, ये थिन शेल का नहीं है, ये स्फेयर का है, तो ये आपको करना है। बच्चे, इसके बाद अगर बात करें चैप्टर 2 की, तो चैप्टर 2 में से जो आपका चैप्टर 2 है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसमें से कोई भी चीज़ नहीं कटी है। और क्वेश्चन की बात करूँ फर्स्ट चैप्टर में, तो कोई भी क्वेश्चन उस पर बेस नहीं है जो टॉपिक कटा है। फिलहाल चैप्टर 2 में से कोई भी चीज़ नहीं काटनी है, तो डायरेक्ट आप आ जाइए चैप्टर 3 पे, खोल लीजिए पेज नंबर 103। चैप्टर 3 का 103 पेज खोल लीजिए। 103 पेज पे देखिए, कलर कोडिंग आपकी हटा दी गई है, तो आपको ये 102 पेज पे ये पूरा टॉपिक नहीं करना है। ऊपर वाला काट दीजिए, ये पूरा काट दीजिए, पूरा यहाँ तक ये नहीं काटना है। ये जो आपका लिखा है 3.8, ये आपको नहीं काटना है, इससे ऊपर का काट दीजिए। इसके बाद बात करें बच्चे, सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स हटा दिया गया है, जो पेज नंबर 107 पे। ये सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज़ में क्या फार्मूला, पैरेलल में क्या फार्मूला, इसकी डेरिवेशन, ये पूरा नहीं करना है। मैंने क्रॉस लगा रखे हैं, ये पूरा आप काट दीजिए, ये क्रॉस लगा रखा है।
ये पेज नंबर आप 108 खोल लीजिए, 109 पूरा कट कर दीजिए। पेज नंबर अगर हम बात करें 109 तक तो कट करना है, लेकिन ये कुछ नहीं कट करना है। क्वेश्चंस की बात करें कौन से नहीं करने हैं, तो पेज नंबर 112 पे ये सीरीज पैरेलल का एग्जांपल है, ये आपको नहीं करना है। फिर उसके बाद बात करें पेज नंबर 127 और 128 पे आ जाइए डायरेक्ट, 127 एंड 128 पे। बच्चे 127 पे देखिए, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सीरीज पैरल से रिलेटेड, ये आप यहाँ पे काट दीजिए। 3.3, 3.4 ये दो क्वेश्चंस नहीं करने हैं 127 पेज पे, 127 पेज। और अगर हम बात करें 127 के बाद 128 और 129 पर, तो बच्चे यहाँ पे 129 पर आप देख पा रहे हैं 20 क्वेश्चन है, ये कट कर दीजिए आप। ये वाले जो क्वेश्चन है ये किरचॉफ लॉ पे बेस्ड हैं, ये मत कट करिएगा। और ये 130 पेज पे ये सीरीज पैरेलल के ये जो क्वेश्चंस हैं, ये आपको जैसे 3.21 ये भी कट कर देना है। हालांकि ये एडिशनल एक्सरसाइज है, एडिशनल एक्सरसाइज में बाकी कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, मैं अभी एडिशनल एक्सरसाइज ना बता के मेन क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज और इंटेक्स के एग्जांपल्स बताऊंगा। चैप्टर 4 की बात करें मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में, इसमें सिर्फ एक टॉपिक कटा है, वो है साइक्लोट्रॉन। तो खोल लीजिए पेज नंबर 140 पेज पे, 140 पेज पे बच्चे क्या नहीं करना है, साइक्लोट्रॉन है 4.4.2 हेडिंग, ये पूरा काट दीजिए। 141 पेज ये लिखा है, ये पूरा काट दीजिए। 141 पेज के बाद ये ऊपर ये जो एग्जांपल है ये भी साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड है, ये काट दीजिए। मैंने बताया ब्लू बॉक्स की चीज़ें वैसे भी आपको नहीं करनी थी। चैप्टर 5 की बात करें, चैप्टर 5 है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर पे क्या चीज़ कटी है, उसके लिए डायरेक्ट खोल लीजिए पेज नंबर 180, पेज नंबर 180 से, ठीक है अभी ये वापस इस पे आएंगे। 180 पे अगर आप देखिए बच्चे, तो ये आपका लिखा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल नहीं करनी है, इक्वेटोरियल ड्यू टू अ बार मैग्नेट एट इक्वेटोरियल पॉइंट एंड एक्सियल पॉइंट, तो ये पूरा काट दीजिए। इससे रिलेटेड ये पूरा क्वेश्चन काट दीजिए, पेज नंबर 180 एंड 181 ये दोनों आप काट दीजिए। मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ आपको करना है। इसके बाद टॉर्क भी हटा दी गई है, बार मैग्नेट जब मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है तो उस पर टॉर्क लगती है एमबी साइन थीटा, वो आपको नहीं करना है। उसके लिए पेज नंबर 177 पे ये हेडिंग है आपकी 5.2.3, ये पूरी कट कर दीजिए। 178 की बात करें तो ये पूरा कट कर दीजिए, ये क्वेश्चन भी काट दीजिए 178 पेज का, एग्जांपल 5.1, उसके बाद एग्जांपल 5.2 भी काट दीजिए, एंड 5.3 का सिर्फ बी पार्ट काटना है क्योंकि इसमें टॉक की बात हुई है, बाकी पार्ट्स आपको करने हैं। 5.3 में सिर्फ बी पार्ट काटना है, इससे ऊपर का पूरा काट दीजिए। फिर उसके बाद ये 179 पेज था बच्चे, इसके बाद कटा है आपका क्लासिफिकेशन। अच्छा इसमें ये आपने काट दिया 5.4 और 5.5, ये पूरा काट देना है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है, यानी पेज नंबर 191 निकाल लीजिए, 191 ये आ चुका है 191 पेज। इसमें 5.6 वाली ये जो हेडिंग डली है ये पूरा काट दीजिए। इसके साथ साथ अगले पेज पे 192 पेज पे पूरा कट कर दीजिए, 193 पूरा कट कर दीजिए, कुछ भी नहीं करना। पैरा मैग्नेटिज्म, फेरो मैग्नेटिज्म, डाई मैग्नेटिज्म, इसके साथ साथ पेज नंबर 194 है ये भी पूरा कट कर दीजिए 194, और 194 पे ये एग्जांपल दे रखा है एग्जांपल 5.11, ये भी कट कर दीजिए, सॉल्यूशन तो कट हो गई होगा। ये बोर्ड ने अलग से नहीं लिखा है कि हिस्टेरेसिस लूप नहीं है, बट क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पे बेस्ड है तो ये भी नहीं आएगा। परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ये भी साफ साफ बोर्ड ने बोला है कि नहीं आएगा, तो ये पूरा यहाँ से एंड तक यहाँ तक आप कट कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। उसके बाद बात आई इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन के लिए आप डायरेक्ट पेज खोल लीजिए पेज 200। उससे पहले ये बता दूं, ये जो समरी लिखी हुई है, समरी अगर आप पढ़ते हैं तो समरी में 0.2 और 0.3 आप कट कर दीजिए, और इसमें सिर्फ 7-8 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, यही आपको करने हैं। इसके बाद 9 और 10 भी कट कर दीजिए। बात आई क्वेश्चंस की, क्वेश्चन है पेज नंबर 200 पे ये 5.3 5.4 काट दीजिए, और ये पेज नंबर 201 पे 5.7 काट दीजिए। जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ, अगर आप मेरी आवाज़ सुनते जाएं तो पेज नंबर बोल रहा हूँ, आप पेज नंबर पे डायरेक्ट कर सकते हैं मेरी आवाज़ सुनते सुनते। इसके बाद निकालिए पेज नंबर 202 पेज पे, नेक्स्ट पेज पे 5.15 आपको नहीं करना है, और 5.16 और ये
2-1 और 2-3 ये आपको नहीं करना है। इसके बाद बात करें बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है चैप्टर 6, चैप्टर 6 में से कोई भी चीज़ नहीं कटी है तो डायरेक्ट आ जाइए चैप्टर 7 पे और खोल लीजिए अपना पेज नंबर 252 खोल लीजिए जल्दी से 252, ये पूरा यहाँ तक करना है, इसमें कुछ भी चीज़ नहीं कटी है। जबकि 252 पेज की बात करें तो पार इन एसी सर्किट और पार फैक्टर, ये पार इन एसी सर्किट ये तो आपको करना है बच्चे, पार इन एसी सर्किट करना है, ये कट नहीं है। लेकिन पार फैक्टर की अगर बात करते हैं तो पार फैक्टर कट हो चुका है, यानी ये जो फॉर्मूला पार का निकल के आता है ये करना है, लेकिन इसमें बीच में वॉटलेस करंट और पार फैक्टर का मेंशन है, ये दो पॉइंट्स आपको नहीं करने हैं, ठीक है बच्चे। उसके बाद बात करें चैप्टर 8, इसमें कुछ भी और चीज़ नहीं कटी है। और हाँ, इससे नीचे ये इसी पेज पे, पेज 252 पे, पेज 252 पे एग्जांपल 7.7 है, ये पूरा आपको नहीं करना। और पेज 253 पे एग्जांपल 7.8 का ये लास्ट पार्ट है, डी पार्ट, ये आपको नहीं करना क्योंकि इसमें पावर फैक्टर निकालने को बोला गया है। बाकी सारे एग्जांपल्स करने हैं, बाकी पूरा चैप्टर इसमें करना है, डायरेक्ट आप आ जाइए अब पेज नंबर 270 पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिस्प्लेसमेंट करंट का पूरा कंसेप्ट हटा दिया गया है, बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, तो 8.2 काट दीजिए पेज नंबर 270 पे, और 271 पूरा कट कर दीजिए, 272 पूरा कट कर दीजिए, 273 पूरा कट कर दीजिए, 273 पे क्वेश्चन भी है एग्जांपल 8.1, ये भी कट कर दीजिए। उसके बाद इस पार्ट में कोई भी थ्योरेटिकल चीज़ में से कट नहीं हुआ है, लेकिन क्वेश्चन की बात करें तो 285 पेज पे आप आ जाइए, 285 पे जल्दी से, 285 पेज पे ये एक्सरसाइज का एग्जांपल 8.1 आप काट दीजिए, 8.2 भी काट दीजिए, उसके बाद ये बस इसमें इतना ही आपको काटना है। तो बच्चे ये तो बात हो गई आपके पार्ट वन की, पार्ट वन का मैंने आपको पूरा बता दिया, अब हम पार्ट टू की बात करेंगे कौन कौन सा काटना है आपको। लेकिन बेटा ये अगर वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो शेयर करिए, लाइक बटन प्रेस करिए ताकि आपके दूसरे फ्रेंड्स की भी हेल्प हो पाए, ये वीडियो सर्च में आ पाए और किसी ना किसी तरीके से आप हमें भी सपोर्ट करेंगे। चलिए चलते हैं पार्ट टू पे। ये आ चुका है आपके सामने पार्ट टू, जल्दी से खोल लीजिए पार्ट टू। 8 चैप्टर्स फर्स्ट पार्ट में थे, 6 चैप्टर्स आपके सेकंड पार्ट में हैं, टोटल 14 चैप्टर्स हैं इसमें। चलिए पार्ट टू में सबसे पहला चैप्टर है आपका रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में खोल लीजिए, ये आपका रे ऑप्टिक्स खोल रहा है, रे ऑप्टिक्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में खोल लीजिए पेज नंबर 310। 310 में बच्चे इन्होंने बोला है कि पूरा रिफ्लेक्शन यहाँ से हटा दिया गया है, रिफ्लेक्शन का पूरा पार्ट हटने की वजह से पेज नंबर 310 में ये 9.2 काट दीजिए, अगले पेज पे 311 पूरा काट दीजिए, 311 पूरा पेज, 312, 313 पूरा पेज, 314 और 15 भी कट कर देना है, और 316 भी कट करना है। इस पे जो भी एग्जांपल दे रखे हैं वो आपको नहीं करने हैं, 310 से लेकर 316 कट करना है। 316 पे ये 9.3 है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, रिफ्रेक्शन पूरा है, इसमें से कोई भी चीज़ नहीं कटी है। जबकि स्कैट की अगर बात करें, खोल लीजिए पेज नंबर 235 खोल लीजिए, सॉरी 235 नहीं, मैं गलत बोल रहा हूं, 310 316 था, इसके बाद आप खोल लीजिए 335 पेज, 335 पेज पे स्कैटरिंग क्योंकि हटा दिया गया है, तो स्कैटरिंग वाला जो पार्ट है 335 पेज पे, ये 335 पेज पे 9.8.2 स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये यहाँ से यहाँ आपको नहीं करना है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके क्वेश्चंस की, तो बच्चे क्वेश्चंस में इसके आपके रिफ्लेक्शन पे बेस कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको नहीं करने हैं। कौन से क्वेश्चंस नहीं करने एक्सरसाइज के एग्जांपल्स के तो मैंने बता दिया आपके, 310 से 316 पूरा कट है, एग्जांपल्स भी हैं उसमें। लेकिन अगर हम बात करें एक्सरसाइज की, तो पेज 345 खोल लीजिए, 345 पे 9.1 9.2 काट दीजिए, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। अगले पेज पे 346 पे 9.15 और 347 पे 9.18 का सिर्फ ए पार्ट आप काट दीजिए, क्योंकि यहाँ कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन पूछा गया है जो आपको नहीं करना।
उसके बाद बात करें नेक्स्ट पेज, और कोई भी क्वेश्चंस इस पार्ट में नहीं कट हैं, ये आपको सारे करने ही करने हैं। चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो वेव ऑप्टिक्स में 372 पेज खोल लीजिए बेटा, स्टार्टिंग का सब कुछ आपके सिलेबस में है ही है। 372 डायरेक्ट खोल लीजिए, 372 पे आपका ये पार्ट काट दिया गया है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें आप टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर पढ़ते थे। तो 372 पे ये वाला टॉपिक काट दीजिए, 10.6.3। उसके बाद बात करें तो ये आपका रिजॉल्विंग पावर से रिलेटेड है, जो भी ये पूरा कट हो जाएगा, 372-373 पेज भी पूरा कट होगा आपका, और 374 भी कट होगा बच्चे, ये आपका 374 भी जो है ये इसी से रिलेटेड है। उसके बाद बात करें 374 पेज के बाद आती है बात 375 पेज पे, तो 375 पेज भी कट करना है, और 375 पे ये कट नहीं करना है, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स ये है जिसमें फ्रेसनल डिस्टेंस वगैरह बताया गया है, लेकिन पोलराइजेशन का पूरा पार्ट कटा है। तो 376 पेज पे 10.7 से लेकर स्टार्ट हो जाइए, 376 पे 377, 378, 379 पूरा पेज काटते जाइए, 380 भी काट दीजिए, 381 भी काट दीजिए, बहुत आपको बधाइयाँ, पोलराइजेशन पूरा कट चुका है। अगर बात करें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की, तो इसमें कोई भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको कट नहीं करने हैं, आ जाइए जल्दी से चैप्टर 11 डुअल नेचर में। डुअल नेचर वैसे ही छोटा सा पार्ट है, इसमें एक पार्ट काटा गया है, पेज नंबर 403 खोल लीजिए, 403 की बात करें तो बच्चे 403 पेज पर डिविजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है, ये आप डिलीट कर दीजिए, डिविजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। पूरा 373-404 भी पेज काट दीजिए आप। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की बात करें, एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चंस नहीं है, कुछ भी कट नहीं करना है आपको, सब कुछ करना है। बात आई इसके नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 12 एटम्स की बच्चे, एटम्स जो चैप्टर 12 है, इसमें से कोई भी पार्ट डिलीटेड नहीं है, आपको पूरा करना है। लेकिन चैप्टर 13 पे आ जाइए, न्यूक्लियाई, और उसमें पेज खोल लीजिए डायरेक्ट 446, न्यूक्लियाई में खोल लीजिए 446 पेज, और 446 से पहले खोलिए आप 442 पेज पे ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी आपको नहीं करनी, और उसके बाद ये पेज 443 पे पूरा नहीं करना, पूरा नहीं करना, ये काट दीजिए। एग्जाम्पल 13.3 और पेज 444 पूरा काटिए, लेकिन पेज 445 पे 13.5 से ऊपर का कट है, लेकिन उसके नीचे का करना है। बाइंडिंग एनर्जी कर्व ये पूरा काट दिया गया है, एक बड़ा टॉपिक था, काट दिया गया है। न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, ये सब करनी है आपको। पेज 446 पे रेडियो एक्टिविटी और लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कट होने की वजह से 446-447 और 448 पूरा कट है, और 449 भी पूरा कट है बच्चे। अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, हाफ लाइफ, मीन लाइफ, ये पूरा कट हो चुका है। क्वेश्चन एग्जांपल 13.6 कट कर दीजिए पेज नंबर 450 पर, और इसके बाद 450 पूरा कट है, 451 पे गामा डिके कट है, लेकिन उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी वाला पार्ट आपको करना है, और इसके बाद कुछ भी कट नहीं है। बात करें इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस की, तो एक्सरसाइज क्वेश्चन में कट कर लीजिए जल्दी से, खोल लीजिए पेज नंबर 462 पे 13.3 काटिए, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10 तक कट कर दीजिए, 13.10 तक कट करना है, 13.11 आपको करना है। आगे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। सेमीकंडक्टर्स की बात करें बेटा, सेमीकंडक्टर्स पहले से ही पिछले साल काफी सारी चीजें डिलीट हो गई थी एनसीईआरटी के सिलेबस, सॉरी सीबीएसई के सिलेबस से, इस बार और भी चीज़ डिलीट हुई है, क्या करना है इसलिए मैं सिर्फ वो बता दे रहा हूँ आपको। ये इंट्रोडक्शन वगैरह, क्लासिफिकेशन, ये सब करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ इन बिटवीन मेटल्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप थ्योरी, ये करना है, ये पूरा करना है, ये पूरा इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप, पी टाइप, ये सब आपको करना है, पीएन जंक्शन, सेमीकंडक्टर डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, ये सब करना है। ये पेज नंबर 480-481 तक ये पूरा करना है बेटा, लेकिन 481 पे आपकी आने वाली है अब जीनर डायोड, जीनर डायोड आपकी कौन सी पेज पे आ रही है,
ये रेक्टिफायर आपको करना है, जीना डायोड आ गई है पेज नंबर 485 पे, 485 पे कट करना शुरू करिए। जीना डायोड का आपको नहीं करना है, लेकिन उसके बाद 486 पेज पे जीना डायोड से रिलेटेड ये नहीं करना है, 14.5 नहीं करना है, लेकिन उसके बाद 14.8.2 ऑप्टिक, ये ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेज, ये आपको करने हैं, जिसमें पी फोटो डायोड भी करनी है, लाइट एमिटिंग डायोड करनी है, सोलर सेल करना है, लेकिन उसके बाद कोई पार्ट नहीं करना है। 14.9 से लेकर यानी 490 पेज से लेकर पूरा कट करना शुरू कर दीजिए, आखिरी तक 493, 494, 496, 498 सारे पेजेस डिलीट कर दीजिए। कहाँ तक डिलीट कर दीजिए, मैं चैप्टर घुमाता जाता हूँ, पेजेस इसके इंटीग्रेटेड सर्किट 506 तक आपको डिलीट कर देने हैं। और बेटा क्योंकि यही टॉपिक्स हैं, इससे रिलेटेड सिर्फ आप एक क्वेश्चन कर लीजिए, 14.8 क्वेश्चन कर लीजिए एक्सरसाइज का, 14.11 कर लीजिए, 14.12 कर लीजिए, बाकी सारे क्वेश्चंस आपके डिलीटेड हैं। 14.5 भी करना है, और यहाँ पे आपको 14.1, 2, 3 और 4 ये करने हैं, ये जो टिक लगाए से वही करना, बाकी सब ये सिलेबस से कुछ पहले, कुछ इस साल डिलीट हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम तो पहले ही डिलीट हो गया था, ये आपको पूरा का पूरा नहीं करना है। तो बेटा काफ़ी सारी चीज़ें डिलीट हो गई हैं, पार्ट टू भी मैंने आपको बता दिया है, उम्मीद है आपको अच्छे से आपने सारी चीज़ें टिक कर ली होंगी। और फिर से बोल रहा हूँ बच्चे, लाइक कर दीजिए, शेयर करिए जितने से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, और हमारे YouTube चैनल फिजिक्स ब्रो पे क्लास 12th के फिजिक्स के काफ़ी सारे लेक्चर्स शुरुआत के हमने डालना शुरू करे हैं, आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो टॉपिक्स आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं, उम्मीद है प्यारे प्यारे लेक्चर्स हैं, आपको समझ में आएंगे ही आएंगे। फिलहाल बच्चे मेरी तरफ से आपको ढेर सारी विशेष 2021 बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, बहुत कम समय रह गया है, मेहनत जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं करते रहिए, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में।